हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग स्कूल। दोस्तों आप जब हैवी लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें आपने हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग करनी होती है, लेकिन आपके लगातार कमेंट आते हैं कि आप ऑनलाइन तो करवा देते हैं फॉर्म को और डिपो में भी जाकर उस फॉर्म को अपना जमा करवा देते हैं, लेकिन आप बार बार कमेंट ये करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर आ चुका है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल तरीका है, आपको किस प्रकार से चेक करना है अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें क्योंकि हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ से डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है, जिस प्रकार से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन होता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग के नाम से इसको सर्च करना है। ट्रेनिंग के नाम से सर्च करने के बाद आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। इस पर सबसे ऊपर ये दिया गया है लिंक, ये लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर पहुँचने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जब आपने ऑनलाइन करवाया था उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है, तो दोस्तों वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपने टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आपने क्लिक हर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर अपना क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग में अभी कितना समय लगेगा, या फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपसे जो आगे जो बैच चला हुआ है उसके तुरंत बाद जो है आपकी ट्रेनिंग आने वाली है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, कई बार ये जो पोर्टल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताता है, तो इसलिए आपने क्या करना है, जब यहाँ पर आपका नज़दीक आ जाए इसमें चेक करते रहना पहले तो, और अगर नज़दीक आ जाता है तो आपने डिपो में जाकर और जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर आपको एक चार्ट चिपका मिल जाएगा, उस चार्ट पर आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो पोर्टल है ये तो रोल नंबर वाइज उठाता है, पोर्टल की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बीच में जो कैंडिडेट होते हैं वो किसी कारणवश नहीं आ जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट को बुला लिया जाता है और जो संख्या है वो आगे बढ़ जाती है, जो रोल नंबर है वो आपके आगे हो जाते हैं, तो इसी कारण आपका नंबर जो है वो जल्दी भी आ सकता है। आप इस पर भी चेक करते रहें और बाकी आपका अगर उस साइड जाने का चक्कर लगे तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं उसको कि भाई कितने समय में आपका जो ट्रेनिंग है वो आने वाली है, क्योंकि आपको दो फाइल जो है वो तैयार करवानी होती हैं, उनमें भी समय लगता है, आपको लर्नर भी कटवाना होता है और ये सब जो फाइलें हैं आपने तैयार भी करवानी होती हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी क्योंकि आपके लगातार कमेंट आते हैं इसको लेकर। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।